हेलो हेलो मेरे फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कैसे आप स्ट्रक्चर इमेज को इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद उसी इमेज से कैसे आप एक कैलिडोस्कोप रिपीट बना सकते हैं, ताकि आप कोई भी सर्टेन का डिजाइन आप रेडी कर सकते हैं, या तो कोई भी ऑल ओवर गार्मेंट का डिजाइन आप रेडी कर सकते हैं, या तो एक सिंपल बैकग्राउंड टेक्सचर इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अपना डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग के लिए। एंड ये पूरा डिजाइनिंग का जो वीडियो है उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ताकि आप इजीली एक रिपीट क्रिएट कर सकते हैं, कैलिडोस्कोप रिपीट बना सकते हैं, क्योंकि ये बिगिनिंग के बिगिनर लेवल का जो डिजाइनर है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जो ऑलरेडी डिजाइनर है उनके लिए भी शायद कुछ नया हो सकता है। आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ डेफिनेटली नया चीज सीखने को मिलेगा, जिसके द्वारा आप एक कैलिडोस्कोप रिपीट कैसे बनाते हैं, उसका क्या मैनुअल प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो का जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप एक स्टेनलेस पैटर्न बना सकते हैं वन क्लिक में, कैसे आप एक कैलिडोस्कोप रिपीट बना सकते हैं वन क्लिक में, तो एक्शन के द्वारा कैसे पूरा प्रोसेस होता है वही पूरा प्रोसेस को आज हम सीखेंगे, ताकि आप इजीली कोई भी डिजाइन क्रिएट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताना चाहूंगा अगर उस में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि जब भी इस टाइप का लर्निंग वीडियो आए आपको मिस ना हो जाए। बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि आप अगर डिजिटल इंजीनियरिंग में है आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपसे कोई भी वीडियो मिस हो जाए, जो कि मैं बहुत सारा लेटेस्ट ट्रेनिंग टेक्निक लेके आता हूं डिजिटल इंजीनियरिंग का, अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ताकि आप उसमें से सीख के आगे बढ़ पाए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश रहमान, आई एम टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट डिजाइनर एंड वेलकम बैक टू समझो टेक। तो आज हम सीखेंगे कैलिडोस्कोप रिपीट कैसे बनाते हैं, एंड उसके साथ साथ आपको सिंपल एक जो मैनुअल प्रोसेस है कोई भी डिजाइन में रिपीटेशन क्रिएट करने का वो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके एक सिंपल एक सर्टेन का डिजाइन बना सकते हैं, ऑल ओवर गार्मेंट का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, एंड उसमें से आप एक टेक्सचरल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड टेक्सचरल इफेक्ट देने के लिए कोई भी डिजाइन के लिए। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा सिमलेस पैटर्न कैसे बनाया जाते हैं, एंड वही प्रोसेस को फॉलो करके कोई भी इमेज आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप इजिली एक कैलिडोस्कोप रिपीट बना के एक बहुत इजीली एक सर्टेन का डिजाइन या तो एक ऑल ओवर गार्मेंट का डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने पीछे में चलते हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पूरा प्रोसेस को आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस देने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप इजीली डिजाइनर बना पाए एंड डिजाइनिंग फील्ड में आप अपना एक अच्छा करियर क्रिएट कर पाए। शॉपिंग में अपने पीछे में आपको दिख रहा होगा मैंने फोटोशॉप खोल कर रखा, मैंने कुछ डिजाइन पैटर्न मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था, ताकि आप लोगों को इजीली मैं समझा पाऊँ, दैट्स व्हाई मैं आपको ऑलरेडी बना के रखा हूँ। जैसे इस टाइप का जो कैलिडोस्कोप का डिजाइन है, इस टाइप का जो कैलिडोस्कोप रिपीट देकर पूरा डिजाइन है, वही टेक्निक आज हम सीखेंगे कैसे इस टाइप का सिंपल डिजाइन हम बना पाएंगे। अलग अलग टाइप का एंगल में मैंने पूरा डिजाइन को बना के रखा, जैसे इस टाइप का पूरा डिजाइन होता है एक अलग एंगल में बनाया हुआ है ना, इस टाइप का डिजाइन है वो एक अलग पैटर्न एक ही है, जिसका बैकग्राउंड जो ओरिजिनलिटी है वो पैटर्न एक ही है, बट उसका अलग अलग एंगल में अलग अलग टाइप का लुक आ रहा है। एंड इस टाइप का आप डिजाइन बना सकते हैं, इस टाइप का एक कोई भी नेचुरल टाइप का पैटर्न लेके कोई भी एक मोटिव क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, जिससे कि अलग अलग टाइप का एंगल, अलग अलग टाइप का पैटर्न, अलग अलग टाइप का डिफरेंट थिंग यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलिडोस्कोप का डिजाइन में आप इस टाइप का बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल कोई भी आप सिमलेस पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं, खासकर कोई सर्टेन का डिजाइन या तो कोई भी एक ऑल ओवर गार्मेंट का डिजाइन के लिए आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लग सकता है। ठीक है, तो वही आज हम सीखेंगे कैसे इस टाइप का सिंपल एक कैलिडोस्कोप का डिजाइन बना सकते, उसमें क्या प्रोसेस, क्या स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है। पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया दिया था कि कैसे आपको एक्शन को वन क्लिक में कर सकते हैं, बट वही प्रोसेस को हमें पहले मैनुअली सीखना पड़ेगा कि मैनुअली हम इसको कैसे बनाते हैं, एक स्टेप हमें जानना पड़ेगा, देन उसको हम में करेंगे तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सपोज कोई भी एक इमेज लेता है, जैसे मुझे अगर जो हमारा पहला इमेज था वही वाला इमेज एक बार लेता हूं मैं, उसके ऊपर से मैं पहले आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि क्या एक इफेक्ट है देना पड़ता है, क्या सा प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इमेज को जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसको आपको पहले 150 या 200 रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें कुछ फिल्टर इफेक्ट अप्लाई करना पड़ता है, उसका हमें जस्ट प्रिंटेबल बनाना पड़ता है, बट वो प्रोसेस अब सीख नहीं रहे, उसका हम अब डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज उतना थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए मैं जस्ट जो रेजोल्यूशन है उसी के ऊपर से मैं डिजाइन को बनाने की कोशिश करता हूं, जस्ट कैलिडोस्कोप रिपीट का जो मेन फॉर्मूला है, जो फंडामेंटल है, वो आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक इमेज को थोड़ा सा एनलार्ज करना है, उसका जो अलग थोड़ा शार्पनेस देना, फिल्टर इफेक्ट देना, तो वो डिफरेंट पार्ट है, उसके बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस टाइप का कोई भी एक डिजाइन का आप अगर फिल्टर इफेक्ट देके कैसे आप एक शार्पनेस के साथ बना सकते हो, वो एक अलग टेक्निक होता है। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम कोई भी एक मोटिव को कैलिडोस्कोप रिपीट देना चाहते हैं, एक सिंपल एक सिमलेस पैटर्न या तो एक सर्टेन का डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहला हमारा काम रहेगा कोई भी बैकग्राउंड रहेगा उसको अनलॉक कर देने का। ठीक है, एंड देन हम इसको कंट्रोल टी दबा के एंगल वाइज उसको मूव करना होता है। एंगल वाइज मूव मतलब यहाँ पे देखिए एक एंगल का ऑप्शन है ना, आप पहले इसको 45 डिग्री एंगल दे सकते हैं, 60 डिग्री एंगल दे सकते हैं,
या तो हम 75 डिग्री एंगल, ये तीन एंगल बेसिकली हम ज्यादातर काम करते हैं। सेम तरीके से आप 30 डिग्री भी एंगल दे सकते हैं, पर 30 डिग्री में क्या होता है उसका पिक्सल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए हम 30 डिग्री यूज नहीं करते, अदरवाइज 30 डिग्री में आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगर 60 डिग्री यूज करेंगे तो ईजी पड़ता है, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री कोई भी एंगल आप 30 डिग्री भी एंगल यूज करके देख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है 30 डिग्री में अच्छा लुक नहीं आएगा। तो आप 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री कोई भी एंगल में मूव करके इसको डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं इसको अगर 45 डिग्री में घुमाऊंगा, तो 45 डिग्री में इसको घुमाया, 45 डिग्री में घुमाया, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक मोटिव को लेके हम जस्ट उसको ड्रैग करके कॉर्नर में लेके जाएंगे। अब कॉर्नर में क्यों लेके जा रहे हैं, बिकॉज कोई भी इमेज को जब हम डाउनलोड करते हैं उसका जो पोर्शन है मैक्सिममली ये वाला जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली कट होकर आ जाएगा। इसको हम अगर जस्ट नॉर्मली रेक्टेंगुलर टूल लेके देन इसको हम अगर कट करेंगे तो उसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है, इसलिए मैं जो शॉर्टकट प्रोसेस फॉलो करता हूँ, जस्ट इसको कंट्रोल टी दबाया, 60 डिग्री या तो 45 डिग्री या 30 डिग्री, जो डिग्री आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मूव किया, देन इसको हमने यहाँ पे ड्रैग किया, एंड जो पोर्शन का हमें मिरर रिपीट देना है उस पोर्शन को हमें कट कर लेना रहेगा। जैसे मैंने मुझे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन मुझे शायद अच्छा लग सकता है या तो ये वाला पोर्शन अच्छा लग सकता है, तो जो पोर्शन आपको जरूरत पड़ेगा वो पोर्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड इसको अगर जैसा है तो 180 डिग्री में घुमा के जैसे मुझे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन काफी अच्छा लग सकता है, तो जो जो पोर्शन आपको लग रहा है कि ये काम का है तो वो पोर्शन का आप इजीली लेके एक पूरा डिजाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन मुझे लग रहा है ठीक ठाक है, इसको अगर और थोड़ा छोटा करूँ तो इस टाइप का ले सकते हैं। अगर कंट्रोल दबाया, सिलेक्शन लिया, अल्ट्राइपी करके क्रॉप कर लिया, क्रॉप करने के बाद आपको देखिए पूरा क्रॉप नहीं हो रहा, एक्चुअल में वो जब इमेज क्रॉप होता है तो कुछ पोर्शन रह जाते हैं, देन आपको फिर से सिलेक्शन लेना पड़ता है, देन हम इसको अल्ट्राइपी करेंगे तो ये टोटल पूरा क्रॉप हो गया। अब क्रॉप होने के बाद ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैनवास साइज को बढ़ा लेना है। कैनवास साइज को बढ़ाने के लिए इसका कम से कम 10 गुना कैनवास साइज बढ़ा लीजिएगा, जैसे इसका 5 इंच का साइज है तो इसको 50 इंच कर देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद हमें सेम क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जे कॉपी किया, कंट्रोल जे लेने के बाद आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है या तो आप सेंटर पॉइंट में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसे हम इसको अगर कंट्रोल टी दबा के पहले हमें 90 डिग्री में घुमाना पड़ेगा, जस्ट राइट क्लिक 90 डिग्री रोटेट, एंड इसको हम अगर जस्ट फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो देखिए इस टाइप का एक पूरा इफेक्ट आ जाएगा, जो कि इसी मोटिव का एक हॉरिजॉन्टल रिपीट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम कई बार आते हैं, आपको देखना जरूरी है। जैसे आप कभी भी आप रोटेट कर लें इस टाइप का कुछ हल्का सा एक इफेक्ट आ जाए, तो उसका हम एक काम कर सकते, जस्ट हम इस तरीके से हम एक पिक्सल अप डाउन करेंगे तो उसका लुक थोड़ा सा इसके जैसा बिट जाएगा, वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज तो बाहर जाना हो, ये भी एक शॉर्टकट टेक्निक है, आपको बता देता हूँ। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर आपको रिवर्ट करेंगे तो आपको जो ओरिजिनल इमेज था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे कंट्रोल जेड 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 करके वापस जाते हैं तो वो एक जो प्रोसेस है वो शॉर्ट हो जाता है। हम फाइल में जाके रिवर्ट का एक ऑप्शन है तो उसको अगर क्लिक करते हैं जो इमेज आपने ओपन किया था फोटोशॉप में एकदम पहला पोजिशन में वही पोजिशन आ जाता है। तो एक हमारा जो शॉर्टकट है वो भी आपको बता दिया मैंने, फाइल में जाना है, रिवर्ट का ऑप्शन है, इसको अगर F12 दबाएंगे तो भी उसका हो सकता है, ठीक है। अब इसको अगर हम जस्ट करके हम देन इसको अगर हम 60 डिग्री एंगल घुमाते हैं तो एक अलग लुक आता है, एंड उसका प्रोसेस भी अलग आता है 60 डिग्री एंगल का। जैसे मैंने इसको 60 डिग्री एंगल में यहाँ पे डाला, ठीक है, देन सेम तरीके से उसको हम अल्ट्रा आईपी करके क्रॉप करेंगे, अल्ट्रा आईपी, एंड सेम तरीके से हम इसको अगर कैनवस साइज बढ़ाएंगे, जैसे मुझे इसमें बनाना है कम से कम 60 इंच बाय 80 इंच, ठीक है, 10 गुना आपने बोला है तो मैं आपको 10 गुना लेना है, तो देन इसको कंट्रोल जे एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मर्ज, कंट्रोल जे, एंड यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 60 डिग्री एंगल में इसको मूव करना पड़ेगा। 60 डिग्री एंगल में हम मूव करेंगे तो उसका 60 डिग्री या तो हम कर सकते हैं कि 180 डिग्री में घुमा के, 180 डिग्री में घुमा के इसको हम अगर 60 डिग्री करेंगे तो उसका लुक अच्छा आ सकता है। जैसे कंट्रोल जे 60, ठीक है, एंड ऊपर वाला हमने कंट्रोल जे एंड माइनस 60 कर देते हैं। इसको हमने क्यों माइनस एंड प्लस कर रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, जैसे माइनस 60। अब एक ही एंगल को हम अगर कोई भी मोटिव में, जैसे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला जो मोटिव है देखिए यहाँ पे जो पिक्सलेट हुआ है ना, ये जो मोटिव है उसमें जो पिक्सलेट है यहाँ पे अगर जब हम ज्यादा रोटेट कर देते हैं, जैसे एक ही एंगल में हम ज्यादा रोटेट कर देते हैं तो क्या होता है उसका पिक्सलेट बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे एक बार आपको मैं एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ एक बार, एंड ए वाला मोटिव को जैसे मैंने यहाँ पे लेके आया, अब इसको अगर कंट्रोल जे एंड इसको अगर मैं जस्ट यहाँ पे रख के 60 डिग्री एंगल घुमाऊंगा तो क्या होगा, एंड देन हम अगर कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे जो कि ट्रांसफॉर्म अगेन का ऑप्शन आता है, कंट्रोल शिफ्ट टी, तो हमारा ऑटोमेटिकली वो सेम पोर्शन में रोटेट होगा। बट उसमें जो एक प्रॉब्लम होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा गाइस, कि यहाँ पे जो इसका पोजिशन है देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पिक्सलेट हो गया है ना,
बहुत ज्यादा पिक्सेलेट होगा, तो ये एक बहुत खराब लुक आता है। सो वो हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर मोटिव को ज्यादा हम रोटेट नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं जितना कम रोटेशन हो उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हम अगर कोई भी मोटिव को 180 डिग्री में घुमाएं या तो 90 डिग्री में घुमाएं उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर हम उसको 60 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री में उसको अगर रोटेट करें तो उसमें पिक्सलेट होने का चांसेस रहता है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक ही मोटिव को टोटली रोटेट नहीं करते, हम एक ही मोटिव को डिफरेंट डिफरेंट एंगल में रोटेट करते हैं, ठीक है, ताकि उसका इजिएस्ट एक प्रोसेस हो जाए एंड बहुत अच्छे से लुक भी आ जाए, पिक्सलेट भी ना। जैसे सेम तरीके से हम अगर ये वाला जो मोटिव को फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ, बिकॉज आपको जानना समझना जरूरी है प्रोसेस को। कंट्रोल जे एंड इसको हमने 180 डिग्री में घुमा लिया एंड देन इसको अगर मर्ज करके कंट्रोल टी दबा के देन इसको अगर आप 60 डिग्री करेंगे तो एक मोटिव प्लेसमेंट हो गया। सेम तरीके से आप कंट्रोल जे नीचे वाला लेयर को लेके -60 डिग्री करेंगे तो आपका टोटल कंप्लीट हो गया, उसमें पिक्सलेट भी ज्यादा हुआ नहीं, तो एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है हमारे लिए। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली एक पूरा कैलिडोस्कोप रिपीट भी बना लेंगे और ज्यादा पिक्सलेट भी नहीं होगा। एंड देन हम इसको कंट्रोल ई करके मर्ज कर लेते हैं, देन कंट्रोल जे, देन हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। जैसे हमने 160 डिग्री लिया तो उसका डबल हमें लेना पड़ेगा अभी 120 डिग्री। एंड सेम तरीके से हमने जैसे इसको अगर लिया है तो सेम तरीके से हम इसको कंट्रोल जे एंड यहाँ पे हम जाके -120 डिग्री, ठीक है, ताकि बिकॉज हमने इसी को हम घुमा सकते थे, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाते तो हमारा पूरा यही बोली यहाँ पे आ जाता, बट वो मैंने नहीं किया, सिर्फ बैक गया फिर इसको अगर मैंने -120 डिग्री दिया ताकि पिक्सलेट ज्यादा होना, वो हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। मर्ज किया, मर्ज करने के बाद देखिए यहाँ पे भी हल्का हल्का तो थोड़ा सा डॉटेड इफेक्ट आ ही जाता है, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा आपको पता ही है, जस्ट आपको कोलन स्टूल लेके स्मजिंग टूल लेके आप इस तरीके से स्मजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो पूरा डिजाइन कंप्लीट होने के बाद फिल्टर इफेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको भी बता देता हूँ। अब जैसे पूरा एक बार मोटिव क्रिएट हो जाए, पूरा आपका रिपीट बन जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर कोई पोर्शन को कट कर लेना पड़ेगा। जैसे हमें ये वाला पोर्शन का हमारा सिंपल रिपीट एक बार दिख रहा है, जैसे ये वाला पोर्शन का मेरा रिपीट दिख रहा है, तो उस पोर्शन को हमें कट कर लेना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करेंगे एंड जो पोर्शन हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे कि हमें ये पोर्शन, ठीक है, एंड इसका भी हमें सेंटर पोर्शन ढूंढ लेना, ठीक है, जो सेंटर पोर्शन हो गया अब इसको हम अल्ट्रा आई पी कर कट कर लेते हैं एंड जो पोर्शन हमारा जरूरत है वो हमें आगे, अब उसमें से अगर कुछ आपको स्मजिंग करना है तो हमें स्मजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल जे, फिल्टर में जाएंगे, नॉइज में जाएंगे, मेडन करेंगे तो देखिए 1 पिक्सल आपका गायब ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, बट वो अलग प्रोसेस है, उसका एक शार्पनेस देने का एक अलग प्रोसेस होता है, वो आपको मैं डेफिनेटली दूसरा कोई वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको मेडन देना है, कैसे शार्पनेस अप्लाई करना है। फिल्टर इफेक्ट में बहुत सारा ऑप्शन है, वो सारा चीज़ आपको जानना जरूरी है, वो सब बहुत टेक्निकल पार्ट है, कोई भी डिजाइन को शार्पनेस करने के लिए, ब्लरी इफेक्ट देने के लिए, प्रिंटेबल तैयार करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा फिल्टर इफेक्ट वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एंड तो जस्ट इसको मैंने कर लिया एंड उसका सिंपली आप स्मजिंग इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो इजीली आपको स्मजिंग इफेक्ट दे सकते हैं, ओके। तो हमने इसको पूरा मोटिव को बना लिया, अब सेम तरीके से उसको हमें अगर मिरर रिपीट मारेंगे, जो कि हमने मिरर रिपीट का ऑलरेडी एक्शन बना के रखा हुआ है, अदरवाइज आप नॉर्मली मैनुअली मिरर रिपीट भी दे सकते हैं एंड देन उसके बाद पूरा डिजाइन का आपके एक लुक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये अलग एक लुक आया एंड सेम तरीके से हम वही डिजाइन से हम ये अलग एक लुक आया, डेफिनेटली डिजाइन का पोजिशन अलग है, डिजाइन का जो पोर्शन हमने अलग अलग लिया है, बट उसका एंगल भी अलग है, तो एक इमेज से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बना सकते हैं। सेम तरीके से आपने अगर कोई भी लैंडस्केप टाइप का इमेज, जैसे मैंने ये वाला लैंडस्केप टाइप का मोटिव, ये लैंडस्केप टाइप का मोटिव को लेके भी आप अगर प्लेसमेंट करेंगे तो उसका भी एक काफी उच्च लुक आ सकता है। एंड इस तरीके से कोई भी एक सिंपल आप अगर जो कि व्हाइट बैकग्राउंड का कोई इमेज ले लिया, कोई टेक्सचरल इफेक्ट ले लिया, तो इसी इफेक्ट लेके हमने पूरा इस डिजाइन को, पैटर्न को मैंने बनाने का कोशिश किया था, उसका मैंने आपको दिखा, ये वाला जो टेक्सचरल इफेक्ट वही सेम प्रोसेस आपको 60 डिग्री में एंगल में लेके गया, पूरा बनाया गया। सेम तरीके से आप ये वाला जो प्रोसेस है आपका 45 डिग्री में, एंड आपका और एक जो एंगल आता है वो भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि 75 डिग्री में पूरा एंगल को बनाना पड़ता है, तो उसका टेक्निक वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे लेट सपोज हम अगर कोई भी इमेज ले, जैसे कि वाला इमेज ले लिया, ठीक है, अब इसको हम 75 डिग्री में एंगल में घुमा के कैसे बना सकते हैं वो भी टेक्निक आपको बता देता हूँ। जैसे इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है, कैनवास साइज नहीं, अब इसको मैं जस्ट रोटेट करता हूँ, रोटेट करने के बाद मैं देखता हूँ उसमें कौन सा लुक अच्छा आएगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ एंड यहाँ पे क्या होगा, एक जैसा पोर्शन आ रहा है, तो उसको अगर लुक घुमाएंगे तो उसका अच्छा लुक नहीं आएगा, हमें देखना है कि पोजीशन थोड़ा सा अलग अलग हो, ठीक है। एंड इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 75 डिग्री में घुमाना है, 75 डिग्री है, इसको हमें 180 डिग्री में ले लेता हूँ एंड
ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए, बट ये पोर्शन बहुत ज्यादा व्हाइट है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें व्हाइट को कवर करना पड़ेगा, इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं एक बार, बिकॉज हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक लो पोर्शन कट करना ही पड़ेगा, देन हम इसको 180 डिग्री में घुमाते हैं, देन 75 डिग्री करते हैं, देखिए ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे हाथ में आ गया, ओके, अब इसको हम कट करेंगे, अल्ट्रा आईपी, फिर से अल्ट्रा आईपी, ताकि प्रॉपरली कट हो जाए, देन इसको कैनवस साइज बढ़ाएंगे, एंड जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 10 इंच, तो इसका 100 करना पड़ेगा, इसका 40 करना पड़ेगा, परफेक्ट, ओ सॉरी, इसका हमें 40 इंच करना पड़ेगा, 50 इंच करना है, चलो, एंड इसको हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, 50 इंच तो 40 इंच कम ही होगा, तो इसको हम जस्ट 500 कर देते, एक बार जस्ट देखने के लिए, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 200 कर देते हैं, जस्ट इसको हमें कैनवस से थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तभी इसका लुक अच्छा आएगा, कंट्रोल जे, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से हमने घुमा लिया, एंड देन हम इसको कंट्रोल जे करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, 180 डिग्री में घुमाएंगे, कंट्रोल जे, एंड 30 डिग्री में हम घुमाएंगे, ठीक, सेम तरीके से इसको भी लेंगे हम, -30 डिग्री करेंगे, ओके, देन टोटल को मर्ज करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा, 30 30 30 हमने कर लिया, अब क्या करना है, 90 डिग्री हमें घुमाना पड़ेगा, जस्ट 90 डिग्री, एंड टोटली आपको कवर हो जाएगा, गेट इट, तो इस तरीके से सिंपली आपको एक कैलोरीस्कोप का रिपीट पूरा क्रिएट करना पड़ेगा, जो सर्कल है वो पूरा बनाना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एक लुक आ रहा है, पूरा डिजाइन का एक अलग लुक ही चेंज हो गया, पूरा एक मोटिव का क्या था, क्या लुक हो गया, वो कुछ समझ में नहीं आएगा, एंड इसमें जो एंगल का बात है ना, वही अलग अलग लुक क्रिएट करते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, इवन 30 डिग्री में भी अलग अलग एंगल का लुक आप दे सकते हैं, सेम तरीके से ये वाला पूरा मोटिव हो गया, उसको हम जस्ट यहाँ पे ट्रैक करके रख सकते हैं, या तो आप 180 डिग्री में भी प्लेस कर सकते हैं, देन इसको हम कंट्रोल जे 90 डिग्री में घुमा लिए, तो इसका भी एक अलग रिपीट, अलग एक लुक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, देन इसको अगर आप मर्ज करके पर्टिकुलर मोटिव को कट करके, एंड इसमें से जो पोर्शन आपका मिरर इफेक्ट दे रहा है वो पोर्शन आपको लेना है, ट्रांसफॉर्म अगेन, एंड जैसे आपको जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लेना है, ओके, एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रा आईपी क्रॉप, एंड देन आपको पूरा फिल्डेबल का एक्शन, या तो मिरर रिपीट का एक्शन, या तो आपको जस्ट मैनुअली मिरर को प्लेस करना रहेगा, ना आपका पूरा डिजाइन एक सिंपल रिपीट का प्लेसमेंट हो जाएगा, सिंपली इस तरीके से एक सर्टेन का डिजाइन आप इजीली बना सकते हैं, देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सिंपल लग रहा है, इस टाइप का सिंपल आप डिजाइन इजीली बना सकते हैं, मेन इसका जो फंडामेंटल है आपको एंगल वाइज इसको रोटेट करना आना चाहिए, एंगल वाइज रोटेट करके सिंपली आप एक कैलोस्कोप का रिपीट देखिए, आप इस तरीके का सर्टेन डिजाइन या तो ऑल ओवर गार्मेंट का डिजाइन कुछ भी आप बना सकते हैं, इस टाइप का कोई भी मोटिव, कोई भी मोटिव ले सकते हैं, सेम तरीके से मैंने जितना भी डिजाइन बनाया आपको एक बार सब दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, जैसे ये वाला मोटिव, इसमें भी सेम वही टेक्निक अप्लाई किया गया है, किसका ओरिजिनल आपको दिखा देता हूँ, पूरा 30 डिग्री में एंगल में उसको लेके पूरा इसको रोटेट करके गया, पूरा इसको बनाया गया, देन इसको मिरर रिपीट देके बनाया गया, सेम तरीके से आपका दूसरा इमेज है, ये 45 डिग्री में बनाया गया, टोटल इमेज को 45 डिग्री में प्लेस करके, एंड देन उसको अगर प्लेसमेंट करके सिंपली इस तरीके से रिपीट बनाया गया, सेम तरीके से ये वाला इमेज, इसको 75 डिग्री में पूरा इसको बनाया गया, सेम तरीके से ये वाला इमेज, इसको 60 डिग्री में या तो 75 डिग्री में शायद बनाया गया, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ 75 डिग्री में इसको बनाया गया, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल वाइज आप इसको प्लेसमेंट करेंगे, कोई भी इमेज आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर से बेसिकली एक इमेज जब डाउनलोड करिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, उसका क्वालिटी थोड़ा सा हाई होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल प्रिंट के लिए थोड़ा सा हाई क्वालिटी मैंडेटरी है, तो वो आपको ध्यान रख के लेना है, एंड उसके बाद आपको उसका रोटेट करके ब्यूटीफुल एक इस टाइप का सिंपल डिजाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 675 डिग्री एंड 60 डिग्री, टोटल जो एंगल का गेम है उस एंगल गेम को आपको समझना पड़ेगा, एंड इजीली इस टाइप का सिंपल आप मोटिव के देखिए आप एक सिंपल एक ऑल ओवर गार्मेंट का डिजाइन या तो सिंपल पैटर्न कैलोरीस्कोप रिपीट क्रिएट करके आप इजीली बना सकते हैं, ओके, तो आई होप गाइस पूरा प्रोसेस में आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको एक सिंपल कैलोरीस्कोप रिपीट बनाना है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखा दिया, एंगल वाइज कट आउट करना है, 60 डिग्री का एंगल पहले हमें लेना पड़ेगा, देन इसको हमें एकदम राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा, ताकि जो पोर्शन हमारा चाहिए वो पोर्शन हम इसको सिलेक्शन कर पाए, देन उसी पोर्शन को हमें जस्ट को रिपीट मारना है, मिरर रिपीट मारना है, उसको 60 डिग्री में घुमाना है, देन इसको 120 डिग्री में घुमाना है, ताकि उसमें टोटल कैलोरीस्कोप का जो मेन प्रोसेस हो जाए, कैलोरीस्कोप क्या होता है, जो कि टोटली एंगल वाइज घुमा हुआ रहता है, तो उसका पूरा शेप क्रिएट हो जाए, एंड देन उसी एंगल को हम अगर उसको मिरर रिपीट में कट करके स्क्वायर में कट करके अगर मिरर रिपीट मारेंगे तो हमारा एक सिंपल डिजाइन का पैटर्न बन सकता है, तो यही प्रोसेस को आप फॉलो करके कोई भी इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करके कोई भी इमेज थोड़ा सा हाई क्वालिटी की इमेज आप लीजिएगा, एंड उसको आप ऊपर आप इजीली इस प्रोसेस को फॉलो करके डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो,
तो आप एक दो बार जरूर वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। जो बिगिनर है शायद उनको प्रॉब्लम हो सकता है, बट इस प्रोसेस को आप एक दो बार देखेंगे वीडियो को आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आप अगर जस्ट उसको मोटे को कट करके मिरर मारेंगे, अगर एंगल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक रिपीट क्रिएट हो जाएगा। आपका एक सर्टेन का डिजाइन के हिसाब से या तो ऑल ओवर गार्मेंट के डिजाइन के हिसाब से आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं अपना डिजाइनिंग के लिए। बट उसके पहले आपको रेजोल्यूशन चेंज करना रहेगा, उसमें आपको शार्पनेस देना रहेगा, एक मोटिव को आपको प्रिंटेबल बनाना रहेगा। तो वो प्रोसेस अलग है, उसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए अलग से, मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा जरूर कि आपको कैसे टाइप का वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। एंड उसके साथ साथ मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया था कि शार्पनेस देने के लिए आपको एक इमेज को जब डाउनलोड करते हैं 70 रेजोल्यूशन में, उसको आपको थोड़ा अगर बड़ा करना हो तो उस टाइम अलग आपको प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस को भी अगर आपको जानना हो तो नीचे कमेंट आप जरूर करिएगा। इस तरीके का नया नया मैं वीडियो लेके आता हूँ, अगर आप इस तरह में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इस टाइप का नया नया वीडियो आप सीखते रहे, समझते रहे, डिजिटल फील्ड में आगे बढ़ते रहे। एंड इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज लगा कि इसमें से थोड़ा सा मैंने सीखा तो आप लाइक भी जरूर दे दीजिएगा। एंड मैं आपको सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल है या तो कोई भी आपका दोस्त है जिनको आप अगर इस वीडियो से हेल्प हो सके उनका शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप में से जो फ्रेंड सर्कल में जो अगर डिजाइनर बनना चाहते हैं उनको इंस्पिरेशन मिले कि डिजिटल इंजीनियरिंग में आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आप बहुत इजीली डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो टेक्निक पता चले एंड वो भी अपना डिजिटल इंजीनियरिंग का एक पार्ट बन पाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।